किन्नर्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेल का मुरब्बा। बेल का फल अपने आप में ही ठंडा होता है। बेल के फल के इस्तेमाल से शरीर का तापमान 2 डिग्री कम हो जाता है और बेल का फल शरीर को ताकत देता है और सन स्ट्रोक से बचाता है। बेल का फल मार्केट में फ्रूट सेक्शन में मिल जाता है। बेल का फल धार्मिक रूप से पवित्र माना जाता है। बेल के पत्ते भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, इसलिए बेल के पत्ते भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम बेल का मुरब्बा बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बेल लेंगे। बेल का ऊपर का कवच बहुत ही सख्त होता है। जोर से पछाड़ने से बेल फल 2 हिस्सों में बट गया है। अब हम किसी चम्मच की मदद से बेल फल के अंदर की गिरी यानी कि गुदा निकाल लेंगे। बेल के गुदे को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। वजन करने पर बेल के गुदे का वजन 150 ग्राम हुआ है। बेल के गुदे के अंदर पानी डालकर लगभग 10 मिनट के लिए नरम होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम बेल के मुरब्बे के लिए चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाते वक्त हम गूदे के वजन के बराबर ही चीनी लेंगे, यानी कि अगर 150 ग्राम बेल का गूदा है तो 150 ग्राम हम चीनी लेंगे। चाशनी बनाने के लिए एक पतीले में 1/2 कप पानी लेंगे और 150 ग्राम चीनी डालेंगे। यहाँ हमने गैस को धीमी आंच पर रखा हुआ है। चीनी पिघलने तक चलाते रहेंगे और चीनी पिघलते ही बेल का गुदा हम डाल देंगे। बेल का गुदा पानी डालकर रखने से काफी हद तक नरम हो गया है। बेल का गुदा डालकर मिलाते रहेंगे और चाशनी गाढ़ी होने तक पकाएंगे। चाशनी को धीमी आंच पर ही लगभग 5 से 7 मिनट तक गाढ़ी होने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं बिल्लू के टुकड़े जो हमने किए थे वो भी काफी हद तक गल गए हैं। चाशनी पकने पर चाशनी का कलर बदल गया है। गाढ़ी चाशनी बनाने पर मुरब्बा ज्यादा समय तक टिकता है, इसलिए हम गाढ़ी चाशनी बनाएंगे। अब चाशनी लगभग पकने को आई है। चाशनी तले से चिपके नहीं, उस बात का ध्यान रखेंगे। अब बुलबुले लगभग निकल जाएंगे। गरम गरम चाशनी को उंगली और अंगूठे के बीच में लेके चाशनी का तार चेक करेंगे। चाशनी में एक तार बन रहा है। बस अभी 1-2 मिनट और चाशनी को पका लेंगे, जिससे चाशनी में दूसरा तार बनने लगेगा। आप देख रहे हो चाशनी में दूसरा तार बन रहा है। हमारा बेल का मुरब्बा बनकर तैयार है। अब हम एक मध्यम साइज के नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से चीनी क्रिस्टलाइज नहीं होती। लंबे समय तक बिलू का मुरब्बा संभाल के रखने के लिए नींबू का रस डालना आवश्यक है। अब हम दालचीनी का पाउडर, 4-5 साबुत लवंग, काली मिर्च का पाउडर और इलायची का पाउडर डालेंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिला लेंगे और अंत में काला नमक यानी कि संचल डालकर मिलाएंगे। गैस का स्विच बंद कर लेंगे और बेल के मुरब्बे को ठंडा होने देंगे। मसाले डालने से मुरब्बे का स्वाद चटपटी कैंडी जैसे स्वादिष्ट लगता है। मुरब्बे को कांच के कटोरे में लेके सर्व करेंगे। हमारा स्वादिष्ट चटपटा बेल का मुरब्बा बनकर तैयार है। बेल का मुरब्बा अगर सुबह सुबह में 1/2 चम्मच खा लिया जाए तो पूरे दिन गर्मी से राहत मिलती है और शरीर को ताकत मिलती है। आशा है बेल के मुरब्बे की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी।
ऐसी और नई रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।